मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। दरअसल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया। इसकी भनक लगते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बीच बीजेपी की के रामकुंवर गुर्जर ने कांग्रेस की रश्मि भार्गव को हराकर भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया।